हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है? एक्चुअल में जो सेल होती है, कोशिकाएं होती हैं बॉडी की, उनका जो एक डिवीजन चलता है, कंप्लीट डिवीजन जो होता है सेल का, जो उन्हें रेप्लिकेट कराता है, उनका डिवीजन कराता है, डिकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम करवाता है, वो सब मिला करके एक जो साइकिल बनती है उसे हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल की नीड क्या है? एक जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं उनको लिविंग मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए सेल साइकिल जरूरी होती है। एक सेल का जो कैरेक्टर डिस्टिंग्विश करना है उसके लिए भी सेल साइकिल जरूरी होती है। इसके हम ओवरव्यू या की रोल्स की बात हम आगे करेंगे, इसके सिग्निफिकेंस की बात हम आगे करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक ब्रीफ लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको प्रोवाइड कराएंगे सेल साइकिल से रिलेटेड। तो आइए हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पर फोकस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल साइकिल की डेफिनेशन को देखते हैं। तो सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन द सेल। सेल के अंदर जो इवेंट्स की एक सीरीज चलती है, ऐसे इवेंट्स जो उस सेल में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उस सेल के कैरेक्टर में, उस सेल के जो ऑफस्प्रिंग है उसको चेंज करने के लिए, उस सेल के क्रोमोसोम्स में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो इवेंट्स होते हैं, जो उस सेल को एक न्यू सेल या न्यू डॉटर सेल बनाने के लिए, न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस करने के लिए जो इवेंट्स टेक किए जाते हैं उस सेल के अंदर, वो सब सेल साइकिल में आते हैं। उनका पूरी एक सीरीज जो है वो एक सेल साइकिल कहलाती है। अब ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मल एक सेल जो है उसका एक कंप्लीट साइकिल जो है वो 24 आवर्स की लगभग होती है। उस 24 आवर्स में जो फेजेस होते हैं, मेनली माइटोसिस फेज, आप ये एम फेज पे बात करते हैं, साइटोकाइनेसिस पे बात करते हैं, आप इंटरफेज पे बात करते हैं। आगे हम आपको माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम आपको नेक्स्ट वीडियोज में प्रोवाइड कराएंगे। यहां पर हम आपको एक ब्रीफ समरी देना चाहते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो फेजेस हैं। टोटल टाइम जो है वो 24 आवर्स का है, जिसमें एक इंटरफेज है, एक एम फेज है। इंटरफेज में तीन सब फेजेस आपको बताए गए हैं। जी1 फेज की बात की गई है जो लगभग 11 घंटे कवर करता है, और उसके बाद जो है एस फेज में लगभग 8 घंटे लगते हैं, और इसके साथ जो है G2 फेज जब देखते हैं इसमें लगभग 4 घंटे का समय लगता है, और M फेज जो होता है साइटोकाइनेसिस के साथ, जिसमें कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होता है, वो आपका लगभग 1 घंटे का समय, 1 आवर्स का समय लगभग ये कवर करता है। तो कंप्लीट जो है सेल साइकिल की डेफिनेशन और उसका ड्यूरेशन यहां पर आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की रोल्स की बात करते हैं, ओवरव्यू की रोल्स क्या-क्या होते हैं, सेल साइकिल जरूरी क्यों है सेल के लिए। की रोल्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है वो सेल साइकिल का एक इंटेग्रल पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो मेन पार्ट सेल डिवीजन पे फोकस करते हैं, जिसके लिए इतनी पूरी सेल साइकिल चलाई जाती है, जिसके लिए वो आपको फेजेस बताए गए, वो सारा पार्ट जो है आपका कवर किया जाता है इस सेल डिवीजन के द्वारा। इसके मेन की रोल्स क्या होते हैं? सबसे पहला की रोल हमने जो आपको बताया था वो क्या था कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एबिलिटी को बढ़ाना, किस चीज के लिए बढ़ाना, ताकि वो नॉन लिविंग मटेरियल से एक लिविंग मैटर बनाए, एक बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड लिविंग मैटर बना सके, उसके लिए उसकी एबिलिटी बनाना। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस बेस्ट डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर टू लिविंग मैटर। मतलब क्या है कि जो नॉन लिविंग मटेरियल्स हैं, लाइक आपने जो बात की है, आप बात करते हैं जो आपके एडिनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरैसिलिन से जो आपका डीएनए बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम बने हुए हैं, जीन बने हुए हैं, उसके बाद जो है उससे कंप्लीट एक सेल बनी हुई है। आप देखते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सारी चीज़ें मिल करके, आपका वाटर, ये सब जो नॉन लिविंग मैटर है ये सब इकट्ठा होकर के एक लिविंग मैटर बनाते हैं, जो कि सेल साइकिल के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं ये सारी प्रोसेसेस को। तो उसमें क्या है कि सेल साइकिल जो है उस एबिलिटी को बढ़ाता है, रिप्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है सेल की उसको बढ़ाता है, कि वो बेस्ट नॉन लिविंग मटेरियल जो है, नॉन लिविंग मटेरियल, उनसे एक बेस्ट लिविंग मटेरियल को रिप्रोड्यूस करवा सके, एक सेल की लाइफ को आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए सेल डिवीजन जरूरी होता है, जो सेल साइकिल का मेन पार्ट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ साइकिल, लाइफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन सेल डिवीजन। मतलब क्या है कि सेल जो है वो अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू कब करेगा, वो इस बेस पे कंटिन्यू करेगा कि सेल डिवीजन हो रहा है। सेल डिवीजन अगर होता रहेगा तो सेल की लाइफ आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, अगर सेल डिवीजन नहीं होता है तो सेल की लाइफ वहीं पर स्टॉप हो जाती है, उस सेल की वहीं पर डेथ हो जाती है। तो सेल डिवीजन जो है एक मोस्ट
इंपॉर्टेंट थिंग होता है सेल साइकिल को चलाने के लिए, सेल डिवीजन जो है न्यू सेल के फॉर्मेशन के लिए, डॉटर सेल के फॉर्मेशन के लिए और लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट होता है। नेक्स्ट पार्ट हम बात करते हैं कि द सेल डिवीजन इज द इंटेग्रल पार्ट ऑफ सेल साइकिल। सेल डिवीजन जो है ये सेल साइकिल का मेन इंटेग्रल पार्ट है। मतलब अगर कंप्लीट सेल साइकिल चल रही है तो किस लिए चल रही है, ताकि सेल डिवीजन को कंडक्ट करा सके। सेल डिवीजन में आपको यहाँ पर एक जो इमेज बनाई गई है इसमें आपको क्या दिख रहा है कि एम फेज जो है, मतलब जो एक डिवीजन फेज है, चाहे वो माइटोसिस का हो या मियोसिस का हो, जो एम फेज है वो एक डिवीजन फेज, जहां पर ये डिवीजन हो रहा है। इसके अलावा बाकी का जो रेस्ट ऑफ द पीरियड है वो इंटरफेज में आ रहा है, जिसमें फर्स्ट में क्या आप देख रहे हैं, जीवन में सेंट्रियोल्स का रेप्लिकेशन हो रहा है। जो सेंट्रियोल्स जो पोल बनाते हैं, जो स्पिंडल बनाते हैं सेल डिवीजन के लिए, उन सेंट्रियोल्स का जो है यहां पर रेप्लिकेशन होता है। उसके बाद आप देखते हैं एस फेज में उस डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, जो डीएनए आगे चल के डिवाइड होगा, उस डीएनए का रेप्लिकेशन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आते हैं, फाइनल ग्रोथ एंड एक्टिविटी, जो क्रोमोसोम्स की एक्टिविटी होती है या फिर की जो एक्टिविटी, सेल की जो एक्टिविटी, फाइनल ग्रोथ जो होती है वो यहां पर कंडक्ट कराई जाती है, ताकि वो सेल एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो सके। सेल डिवीजन के लिए जो सेल चाहिए है उस सेल में वो कन्वर्ट हो सके, इसके लिए ये कंप्लीट आपको यहां पर ऐसा फेज आपको दिखाया गया है। अब सेल डिवीजन होता है, कौन कौन से सेल डिवीजन के टाइप में आते हैं, हम इसकी बात आगे नेक्स्ट करते हैं। सेल साइकिल का जो एक मेन इंटीग्रल पार्ट है वो है सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन होता कितने टाइप में है, सेल डिवीजन के मेनली दो टाइप होते हैं, ऑल ऑफ द स्टूडेंट सबने लगभग सुने ही होंगे, मियोसिस एंड माइटोसिस। हिंदी में जानते हैं तो माइटोसिस जो है वो आपका समसूत्री विभाजन कहा जाता है, और जो आपका मियोसिस है वो अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। उन दोनों का हम यहाँ पर कंपेयर आपको दिखा रहे हैं, माइटोसिस और मियोसिस किस तरीके से एक दूसरे से डिफर है, एक दूसरे से किस तरीके से अलग है। इसके पहले हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि इन जो भी लेक्चर्स ये डल रहे हैं या सेल साइकिल का कंप्लीट इसका जो आपको नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। इसी एक नोट से आगे के जो लेक्चर्स आएंगे, माइटोसिस का अलग सेपरेट वीडियो आएगा, आपका मियोसिस का अलग सेपरेट वीडियो आएगा, तो वो सारे जो लेक्चर्स हैं वो भी उसी नोट से आपको कवर किए जाएंगे। तो उस नोट्स को आप डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, ताकि आपको लेक्चर्स आसानी से समझ में आए। तो अब हम कंपेयर की बात करते हैं, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं कि मियोसिस और माइटोसिस किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। तो यहां पर कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो आप क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ सेल डिवीजन, डिवीजन के नंबर, कितनी बार डिवीजन होता है, विभाजन कितनी बार बंटती है सेल, वो डिवीजन है। तो ये माइटोसिस में एक बार बंट रही है, और जबकि मियोसिस में दो बार बंटती है, क्योंकि मियोसिस जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड दो स्टेजेस में मियोसिस कवर की जाती है। इनके आगे भी आपको जो सब फेजेस बताए जाते हैं, आपको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वगैरह होते हैं। उसके बाद जो है आप मियोसिस में जब जाते हैं तो प्रोफेज में भी पांच सब फेजेस बताए जाते हैं, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये सारे हम आपको ओवरऑल लेक्चर्स कवर करेंगे आगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू देखना है। तो हम डिवीजन की बात करते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन की, तो ये माइटोसिस में एक सिंगल डिवीजन होता है और मियोसिस में एक डबल डिवीजन होता है, मतलब मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड में मियोसिस जाकर कंप्लीट होती है। नेक्स्ट आपका आता है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स। अब जब डिवीजन होता है तो कितने डॉटर सेल्स बनते हैं, मतलब एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बन रहे हैं, इसकी जब हम बात करते हैं तो अब ये चूंकि ये सिंगल डिवीजन है तो एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे हैं, लेकिन इसमें डबल डिवीजन हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर ये फोर डॉटर सेल्स बनते हैं वन पेरेंट सेल से। इसके बाद क्रोमोसोम्स की बात की जाए, क्रोमोसोम के नंबर्स की बात की जाए, तो जो माइटोसिस बनेगा उसमें क्या है कि सेम एज पेरेंट, पेरेंट सेल जो है उसके जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं सेम लाइक दैट, इसके भी आपको नंबर देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके मियोसिस के कंपेयर में देखेंगे तो हाफ ऑफ द पेरेंट हो जाता है। इसी वजह से इसको अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम्स जो है, जो गुणसूत्र हैं, इनकी संख्या हाफ हो जा रही है पेरेंट सेल के कंपेयर में, इस वजह से इनको जो है बताया जाता है अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस को। डबल डिवीजन के बाद इनमें हाफ ऑफ द पेरेंट जो है क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं वेयर, कहां पे होता है, ये कौन से सेल में होगा, ये कौन से सेल में होगा। तो माइटोसिस की जब बात करते हैं तो ये सोमैटिक सेल में, सोमैटिक मतलब आपके बॉडी जितने भी टाइप के लगभग सेल्स हैं वो सब ओवरऑल सोमैटिक सेल्स हैं, सिर्फ जर्म सेल्स को छोड़कर। अब इसका जो डिवीजन है वो जर्म सेल्स में होगा, जर्म सेल मतलब वो सेल्स जो गैमेट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो सेल्स जिनसे गैमेट से मिलकर के जो सेल्स बने हैं वो जर्म सेल्स में आते हैं, जो आपकी एक न्यू लाइफ को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पांसिबल हो सकते हैं वो आपके जर्म सेल्स में आते हैं। लाइक जैसे आप ओवम की बात करते हैं, आप स्पर्म की बात करते हैं, तो ये सब जर्म सेल्स में आते हैं। तो उनमें जो डिवीजन आपको देखने को मिलेगा वो आपको मियोसिस देखने को मिलता है, जो न्यू लाइफ को प्रोडक्शन के लिए रिस्पांसिबल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन, ये कब होगा, ये थ्रू आउट द लाइफ चलने वाली प्रोसेस है। सोमैटिक डिवीजन में जो सोमैटिक सेल में जो डिवीजन माइटोसिस होता है ये थ्रू आउट द लाइफ चलता है, पूरी लाइफ। आप जानते हैं हर सेल की एक लाइफ साइकिल होती है, एक लाइफ स्पैन होता है, उस लाइफ स्पैन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अगर डेथ हो जाएगी तो न्यू सेल का फॉर्मेशन जरूरी होता है, अगर न्यू सेल नहीं रहेगी तो उसको रिप्लेस कौन करेगा, तो बॉडी जो है उसकी ग्रोथ, उसका रिपेयर, उसका जो एक कंडक्शन है वो कैसे चलेगा, सेल का जो एक्टिविटी है वो कैसे चलेगी, इसके लिए थ्रू आउट द लाइफ सेल डिवीजन जरूरी होती है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसके, तो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी के समय ही होने वाला डिवीजन है क्योंकि ये न्यू लाइफ के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेक्सुअल मैच्योरिटी कराएगा तब न्यू लाइफ का प्रोडक्शन उससे गैमेट सेल्स के फॉर्मेशन के द्वारा देखने को आपको मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट देखते हैं, रोल क्या है इस डिवीजन का, क्या रोल है माइटोसिस का और मियोसिस का। तो जो माइटोसिस का रोल है वो ग्रोथ एंड रिपेयर करवाने के लिए, मतलब बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी में जो भी कोई डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके रिपेयर के लिए जो जरूरी होती है, उस सेल को रिप्लेस करके दूसरी सेल को लगाने के लिए जो जरूरी होता है वो वहां पर माइटोसिस का काम होता है। माइटोसिस के द्वारा जो प्रोड्यूस हुई सेल होती है वो जाकर के उसकी रिपेयरिंग करने का काम करती है। और इसकी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, चूंकि ये न्यू लाइफ बना रही है और ह्यूमन जो है उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, तो उसमें जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए जो डिवीजन होता है वो मियोसिस के द्वारा होने वाला डिवीजन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी के लिए रिस्पांसिबल होता है। इस वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ ओवरव्यू में इतना ही बताया जाएगा, इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे आपको माइटोसिस कवर किया जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको मियोसिस की कवरिंग की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।